एक तरफ जहां दिल्ली के कानून मंत्री दिल्ली पुलिस पर अपनी बात नहीं मानने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दिल्ली की महिला एवं बाल विकास मंत्री राखी बिरला ने कल देर रात दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राखी ने सागरपुर में जलाई गई महिला नेहा यादव के ससुराल वालों के घर पर धरना दिया। राखी ने पुलिस पर नेहा के ससुराल वालों को बचाने का आरोप लगाया है। पुलिस खुलेआम बोलते कि हमने पैसा ले रखा है, वो लोग खुद बोलते कि हमने पुलिस को खरीद रखा है, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। ये बताओ, ये आप लोगों के ऊपर सवाल है? मेरे ऊपर सवाल नहीं, ये आपकी जो वर्दी पहनी हुई है ना आपने, इस पे सवाल खड़ा हो रहा है। दिल्ली की महिला एवं बाल विकास मंत्री राखी बिरला का ये गुस्सा है दिल्ली पुलिस पर। राखी बिरला पुलिस की एक नहीं सुन रही, राखी का सिर्फ एक ही सवाल है कि तीन दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों को तो पकड़ना दूर, उल्टा नेहा का साथ देने वालों को क्यों परेशान किया जा रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करा, अपने जूते उससे चटवाए, उसको लातों से मारा, क्या था उसका सिर्फ गुनाह? उसका गुनाह इतना था कि वो नेहा के साथ खड़ा था। सर, कहाँ सो रही है पुलिस? अगर आप ही लोग हमारे प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? दरअसल सोमवार की शाम को दिल्ली के सागरपुर में नेहा यादव नाम की महिला को जिंदा जला दिया गया। नेहा को जलाने का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगा। नेहा का इलाज सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नेहा के नाबालिग बेटे ने बताया था कि उसने अपनी ताई और दादी को माचिस से मम्मी को जलाते देखा। बावजूद इसके पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की जरूरत नहीं समझी। इतना ही नहीं, नेहा के पड़ोसियों के मुताबिक जो भी नेहा के लिए आवाज उठा रहा है उसे भी ससुराल वालों की तरफ से परेशान किया जा रहा है। जिन्होंने इस लड़की को जलाया, इसके सास ससुर वाले, वो इसी मेरे जो पीछे घर है, इसी घर के अंदर है, मैं इसी घर के दरवाजे के आगे बैठूं, जब तक पुलिस उसे पकड़ेगी नहीं हम यहीं बैठे रहेंगे। पुलिस के आश्वासन के बाद राखी वहां से चली जरूर गई, लेकिन आधी रात में राखी के इस धरने ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी है। वर्णित गुप्ता, इंडिया टीवी, दिल्ली।